आप सभी को मेरी नमस्कार। मैं नीरज सूद अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको ज्योतिष की नज़र में शिक्षा किस प्रकार से देखी जाती है, इसके विषय में मैं बताना चाहूँगा। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने काल पुरुष की कुंडली, मेष लग्न की कुंडली बनाई हुई है, तो यहाँ से हम शिक्षा के बारे में जानेंगे। देखिए, जो शिक्षा का मुख्य भाव होता है, यदि स्क्रीन पर देखें तो चौथा भाव होता है। उच्च शिक्षा का भाव जो होता है नौवां भाव होता है। वैदिक ज्योतिष में पंचम भाव को शिक्षा का भाव माना जाता है। तो यहां पर हम कृष्णमूर्ति पत्ती में चौथे भाव को शिक्षा का भाव मानते हैं। आइए पहले मैं जरा इसके बारे में आपको बता दूं। शिक्षा के जो कारक ग्रह हैं वो है बुध और गुरु। अब यदि आप कुंडली पर नजर डालें तो मेष लगन की जो काल पुरुष की कुंडली है उसके तीसरे भाव में मिथुन राशि होती है, जिसका स्वामी बुध है, और बुध जो है वो बुद्धि का कारक होता है। चौथा भाव जो होता है ये माता का होता है, और बालक जो है, बच्चा जो है, सबसे पहला शब्द अपनी माता से सीखता है, इसलिए चौथे भाव को हम मूल शिक्षा का भाव मानते हैं। पांचवा भाव जो होता है ये अर्जित ज्ञान का भाव होता है। तो यहां पर एक चीज आप समझे, तीसरा भाव बुद्धि का, चौथा भाव शिक्षा का, पांचवा भाव ज्ञान का। तो जो बुद्धिमान है जरूरी नहीं कि वो शिक्षित हो, और जो शिक्षित है जरूरी नहीं कि वो बुद्धिमान हो या ज्ञानवान हो। यदि ज्ञानवान को देखें तो उपदेश देने वाले भी ज्ञानवान होते हैं, और अनपढ़ से अनपढ़ लोग भी बहुत अच्छा ज्ञान दे देते हैं अपनी बातों से, क्योंकि ये ज्ञान जो है ये अंतर आत्मा से मिलता है। पंचमेश तो शिक्षा का, जो कि मैं अपनी बात कह रहा था कि शिक्षा का जो मुख्य भाव है वो चौथा भाव होता है। यदि किसी जातक की कुंडली में चौथे भाव का उप नक्षत्र स्वामी, चार और ग्यारह भाव, ग्यारहवां भाव क्यों? क्योंकि इच्छा पूर्ति का भाव है। चार और ग्यारह भाव का कार्येशो तो प्राइमरी तक की शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है। यदि चौथे भाव का उप नक्षत्र स्वामी चार भाव के साथ नौ भाव और ग्यारह भाव के साथ जुड़ जाए, यानी कि चार नौ ग्यारह जुड़ जाए, तो उच्च शिक्षा की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार यदि नौवें भाव का उप नक्षत्र स्वामी चार और ग्यारह भाव के साथ जुड़े तो उच्च शिक्षा की प्राप्ति होती है। अब बात आती है विरोधी भावों की। शिक्षा के विरोधी भाव हैं तीसरा भाव, पांचवां भाव, आठवां भाव, बारहवां भाव। अब तीसरा भाव दो तरह से है विरोधी। एक तो ये व्यय भाव है, एक जब कोई शिक्षा पूर्ण होती है उसके बाद तीसरा भाव एक्टिव हो जाता है क्योंकि शिक्षा पूर्ण हो गई। और दूसरे तरीके से तीसरा भाव जिनके बहुत एक्टिव होता है, चौथा और नौवां भाव नहीं होता, तो वो कई बार बुद्धिमान होते हैं परंतु उन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं की होती। पांचवा भाव इसलिए क्योंकि पांचवें भाव से ज्ञान रूपी लोग हैं, बहुत से हम उपदेशक जो बहुत अच्छा उपदेश देते हैं, तो बहुत से ऐसे होते हैं जो जिन्होंने शिक्षा नहीं ग्रहण की होती परंतु वो उपदेश बहुत अच्छा देते हैं। अब आठवां भाव जो है वो होता है रुकावट का, और बारहवां भाव होता है परेशानी का। तो यदि चौथे भाव का उप नक्षत्र स्वामी चार ग्यारह के साथ आठ बारह भाव को दर्शाए तो चलती हुई शिक्षा में रुकावटें आ जाती हैं। जैसा कि अक्सर देखते हैं परीक्षा के दिनों में जातक बीमार हो जाता है, कोई परीक्षा छूट जाती है बीमारी के कारण, टाइफाइड हो जाता है तो परीक्षा छूट जाती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो दशा चल रही होती है वो आठ और बारह भावों की कारेश होती है, साथ में छठा भाव बीमारी का भी जुड़ रहा होता है, रोग का। तो इस प्रकार से चौथे भाव का उप नक्षत्र स्वामी यदि चार और ग्यारह भाव का कार्येश है तो प्राइमरी तक की शिक्षा अच्छी होती है, यदि साथ में नौवां भाव जुड़ जाए तो उच्च शिक्षा होती है, यदि आठ और बारह भाव जुड़े तो परेशानी आती है।
अब बात आती है विदेशों में शिक्षा की। विदेश का जो मुख्य भाव होता है, आप सबको बताऊं, जो विदेश का मुख्य भाव होता है वो होता है 12वां भाव। बारवां भाव विदेश का मुख्य भाव होता है। तो विदेश में शिक्षा के लिए सबसे पहले जरूरी है कि जातक की कुंडली में विदेश का योग है या नहीं। यदि 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी, तीसरा भाव क्यों, चौथे भाव से घर होता है और घर का व्यय भाव है तीसरा भाव, घर से दूरी। तो 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी तीसरे भाव, लंबी दूरी की यात्रा 9वां भाव, 9वें भाव से लंबी दूरी की यात्रा देखी जाती है, और 12वां भाव विदेश। तो यदि 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी तीसरे, 9वें और 12वें भाव में से किसी भाव का कार्येश हो तो विदेश का योग होता है, वो भी तीसरे, 9वें, 12वें भावों के कार्येश ग्रहों की दशा अंतरा प्रत्यंतरा में। अब 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी 3, 9, 12 का कार्येश हो, विदेश का योग होगा। इसके साथ यदि चौथे भाव का उपनक्षत्र स्वामी 12वें भाव तीसरे भाव का कार्येश हो और उसका नक्षत्र स्वामी चौथे भाव 9वें भाव का कार्येश हो, चौथा भाव शिक्षा का, 9वां भाव उच्च शिक्षा का, तो विदेश में शिक्षा की प्राप्ति होती है। अब यहां पर भी दो बातों को समझें कि मैंने शिक्षा के विरोधी भाव लिखे थे 3, 12, और यहाँ पर मैं तीसरा भाव विदेश के लिए यूज़ कर रहा हूँ, 12वां भाव भी विदेश के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो एक बात को ध्यान रखें, जो दशा, जिस ग्रह की दशा चल रही हो वो ग्रह स्वयं 3, 12 का कार्येश हो तो जातक विदेश जा सकता है। और विदेश में शिक्षा के लिए शर्त ये है कि उसका नक्षत्र स्वामी 4, 9 या 11 भावों में से किसी का कार्येश हो। तो ग्रह अपने नक्षत्र के द्वारा फल देता है, ग्रह स्वयं 3, 9, 12 या 3, 12 का कार्येश है तो विदेश का योग बनता है, और उसका नक्षत्र स्वामी चौथे भाव या उच्च शिक्षा के 9वें भाव का कार्येश हो, साथ में इच्छा पूर्ति 11वें भाव का भी कार्येश हो, तो विदेश में शिक्षा का योग बनता है। क्योंकि विदेश में शिक्षा के लिए मुख्य भाव 12वां भाव और सहायक भाव 3रा और 9वां भाव होते हैं। यदि जातक की चल रही दशा में या परीक्षा के दिनों में, आजकल क्योंकि परीक्षाएं चल रही हैं या फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं, तो जिन जातकों की कुंडली में जो दशा चल रही है वो 8 या 12 भाव की कार्येश हों, 8 और 12 भाव की कार्येश हों, तो उनको परीक्षा में रुकावट या बीमारी, यदि छठा भाव साथ में जुड़ रहा हो या परीक्षा में असफलता मिलती है, क्योंकि 8वां भाव रुकावट का है, 12वां भाव परेशानी का है, और यदि रिजल्ट के दिनों में भी 8-12 भावों के 8वां भाव और 12वां भाव एक्टिव हों तो परीक्षा में असफलता मिलती ही मिलती है। यदि कहीं से सपोर्ट हो जाए 4, 9, 11 भावों का और साथ में 8-12 भाव भी जुड़ जाएं, तो वो परीक्षा में सफल होता है, परंतु उम्मीद के अनुसार उसको अंक नहीं मिलते, उम्मीद के अनुसार उसको प्रतिशत अंक नहीं मिलते। इस प्रकार ज्योतिष की नज़र में शिक्षा के बारे में मैंने बताया। आप सब मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि भविष्य में भी आपको ज्ञानवर्धक वीडियो मैं आगे पोस्ट करता रहूं। धन्यवाद।